नमस्ते, आइए आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल कल्पना फूड चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ये ओरियो बिस्किट से बना चॉकलेट मूज। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसका लुक कितना अच्छा आया है और बहुत ही अच्छी ये बनती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। बाहर में थोड़ी महंगी मिलती है बट इसे मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ओरियो बिस्किट से बनाइए चॉकलेट मूज। चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट मूज बनाना। ओरियो का बिस्किट का मैं बना रही हूँ, तो ये ओरियो बिस्किट मैं ले ली हूँ। ये देखिए, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, वेनिला ले लीजिए चाहे चॉकलेट ले लीजिए। तो मैं ये वेनिला ले ली हूँ और ये सारे बिस्किट को सबसे पहले मैं ग्राइंड करूँगी। इसका मैं अच्छे से बिस्किट का पाउडर बना ली हूँ और इसको मैं क्या करूँगी, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्पून को मैं साइड करती हूँ और इसे साइड रख देती हूँ मैं। और इसमें क्या करूँगी मैं, ये अनसॉल्टेड बटर है जो मैं मेल्ट करके रखी हूँ, इसे मैं मिक्स करूँगी। आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। बटर मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। अब इसको मैं आधा इस ग्लास में डालूँगी और आधा मैं इस ग्लास में डालूँगी। बस अब इसको अच्छे से दबा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों में मैं डाल दी हूँ आधा आधा। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं करूँगी। ये मेरे पास मैं बना के रखी हूँ और ये जो आधा मैं ओरियो का जो पाउडर रखी हूँ ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ सारे को। अब फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से ये दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, ओरियो बिस्किट का पाउडर और ये व्हिप्ड क्रीम। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। आप बीटर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर देखिए, इस तरीके से मैं इसे अच्छे से बीट कर ली हूँ और ये ओरियो बिस्किट इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी कि ये जो ग्लास रखी हूँ मैं, जिसमें मैं ओरियो बिस्किट का पाउडर डाली थी, उसमें मैं ये डालूँगी। तो या तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं या फिर आप पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं। तो मैं स्पून से ही डाल रही हूँ उसमें। अब मैं इसे व्हिप क्रीम से भर दी थी और इसे मैं 15 मिनट के लिए सेट कर दी हूँ फ्रिज में रख करके। तो ये देखिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये सेट हो चुका है। अब मैं चलिए इसमें चॉकलेट गनास बना के डालूंगी। अब तो चॉकलेट गनास बनाने के लिए मैं ये चॉकलेट ले ली हूँ और इसमें मैं गर्म दूध को डालूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये गर्म दूध डाल रही हूँ। देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, चॉकलेट गनास बन गया है और ये चॉकलेट गनास को मैं ये इस पर डालूंगी। बिल्कुल सावधानी से डालना है। तो देखिए, इसमें मैं ये चॉकलेट गनास डाल दी हूँ और इसे मैं अब फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ फ्रिज में। देखिए, ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये मूज बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, ये ओयो का एक बिस्किट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से इसे लगाऊंगी मैं और इसमें भी लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये ओरियो बिस्किट अच्छे से लगा दी हूँ मैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने से, ये देख सकते हैं आप।
इसका लेयर भी बहुत अच्छे आया है। इसे मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका लेयर कितना अच्छा आया है। ये ओरियो चॉकलेट मूस बनके बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे थोड़ा सा आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको ये कट करके भी इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए इसका चॉकलेट कितना अच्छा लग रहा है और इसका क्रीमी टेस्ट। थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ ये, और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये। फ्रेंड्स मेरी ये चॉकलेट मूस की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।